अच्छा आप बताइए, चूंकि आप राजपूत समाज से आते हैं, राजपूत है ना, राजपूत समाज से आते हैं, जब पंडित जी राजनीति में सक्रिय हुए तो ब्राह्मण और ठाकुर में खाई पैदा हुई? बिल्कुल नहीं हुई। नहीं, बताते हैं लोग, लोग कहते हैं, लोग, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं खाई पैदा हुई। उनके क्षेत्र में जो पुराना चिल्लू पार में क्षेत्र है, दर्जनों ठाकुरों के बड़े बड़े गाँव थे और उनको वोट वहाँ से मिलता था, लोग उनका सम्मान करते थे, पंडित जी भी उन लोगों का सम्मान करते थे। एक भूखमरी का शिकार हो गया था, चिल्लू पार में अखबार में छपा, पंडित जी दौड़े दौड़े आए, हमसे कहे कि चला जाए वहाँ, नहीं तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। विधायक थे जी, वे हमारे क्षेत्र मंत्री थे कि एक भूखमरी का शिकार हो, वहाँ गए और उसको 6 महीने के लिए सारा प्रबंध किए। उसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी से बात की, जिलाधिकारी पूरा उनका प्रशासनिक अमला वहाँ गया, उसका घर बनवाया, इंदिरा आवास बना। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में राजवीर सिंह है, राज बहादुर सिंह, माफ करिएगा, हरशंकर तिवारी का आज जन्मदिन है, जन्मोत्सव है, तो आज नेशनल पीजी कॉलेज में मनाया भी गया। राज बहादुर सिंह 1989 से पंडित जी से जुड़े हैं और ये कहा जाता है कि उसी समय से ब्राह्मण और ठाकुर के बीच खाई भी पैदा हुआ, लेकिन राज बहादुर सिंह आप इस बात को सच मानते हैं? तत्कालीन परिस्थिति थी जो कुछ जैसे भी थी, उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन जहाँ तक पंडित जी का सवाल है, पंडित जी सामाजिक सद्भाव के बहुत बड़े प्रबल समर्थक थे और चिल्लू पार जो उनकी कर्म भूमि थी, वहाँ न कोई जात की बात थी, न कोई धर्म की बात थी, न किसी संप्रदाय की बात थी। उन्होंने अपने विकास यात्रा में विकास के माध्यम से बहुत कुछ किया चिल्लू पार, और जिसमें न जात का कोई भेद था, न धर्म का कोई भेद था, न संप्रदाय का कोई भेद था, सबके लिए सर्वे भवन सुखनम की भावना थी और इसीलिए उनको विकास पुरुष कहा गया। जैसे राजेश त्रिपाठी ने अभी कुछ पहले कहा कि पंडित हरशंकर तिवारी को जो लोग ब्राह्मण शिरोमणि कहते हैं, वो ब्राह्मण शिरोमणि नहीं है, ब्राह्मणों के नेता नहीं है, ब्राह्मणों के नेता वशिष्ठ है, वो धार्मिक बात करने लगे। इसमें आपको क्या लगता है कि जो राजेश त्रिपाठी, अभी चबूतरा का मामला आया, चूंकि आप 89 से जुड़े हैं पंडित जी के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे कि जो राजनीति गरमाई है, कि विनय शंकर तिवारी ने आरोप भी लगाया कि राजेश त्रिपाठी के इशारे पर हुआ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो विनय शंकर तिवारी ने किसी को आरोपित नहीं किया, ये सब लोग जानते हैं बिना कहे कि इतना बड़ा दुस्साहस प्रशासन नहीं कर सकता था, ये तो सब लोग जानते हैं। विनय शंकर तिवारी को यह कहने की आवश्यकता भी नहीं थी। विनय शंकर तिवारी ने तो जब वहाँ की जनता उद्वेलित हो गई, तो सबसे उन्होंने आप लोगों के चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, यहाँ के लोगों से, क्षेत्रीय लोगों से, जो लोग उद्वेलित थे, उनसे अनुरोध किया कि कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो पंडित जी के मर्यादा के खिलाफ हो, और यह बातें होती रहती हैं, शांतिपूर्वक सब लोग इसको देखें और जो प्रतिमा नहीं बनने दी जा रही है, विधिक रूप से प्रशासनिक अनुमति लेकर वो प्रतिमा बनाई जाए। पंडित हरशंकर तिवारी के साथ आप 1989 से जुड़े, 1989 में जुड़े और लंबा अनुभव भी रहा होगा पंडित जी के साथ, तमाम कहानियां हैं पंडित जी के बारे में, कोई ऐसी कहानी हो जो हमारे दर्शकों को बताना चाहे, जो दिल को छू जाए, लोग जो लोग न जानते जी के अंदर सबसे बड़ी मानवीय भावना थी। राजनीतिक तो थे, वो राजनीति के दांव पेज को खूब समझते थे, लेकिन उसी के साथ साथ उनमें मानवीय भावना थी। इस क्षेत्र को जोड़ने में, यहाँ के लोगों का सम्मान पाने में उनका मानवीय पक्ष जो था वो प्रभावी था, और पंडित जी में जो उनके व्यक्तिगत स्वाभिमानी थे, जो भी उनके स्वाभिमान को चुनौती दिया उसको उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उसी के साथ साथ उनका एक व्यक्तित्व का यह भी पहलू था कि वो अभिमानी नहीं थे। आम जनता में उनकी छवि एक जननायक की, विकास पुरुष की है, और राजनीतिक प्रतिनिधि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जनता उसको मान्यता नहीं देती। लेकिन कोई ऐसी घटना, क्योंकि आप लंबे समय से रहे हैं राज बहादुर जी, जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, कोई घटना ऐसी हो जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों चीज को मैं कह रहा हूँ, बता सकते? उनके साथ जो राजनीति में आए और यहाँ जो बात थी वो सब पॉजिटिव ही थी, कोई नकारात्मक काम उनके द्वारा नहीं किया गया, और लोगों के दुख दर्द में, एक भूखमरी का शिकार हो गया था
चिल्लू पार में अखबार में छपा। पंडित जी दौड़े दौड़े आए, हमसे कहे कि चला जाए वहाँ, नहीं तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। हमारे विधायक थे जी, वे हमारे क्षेत्र मंत्री थे कि भुखमरी का शिकार है। वहाँ गए और उसको 6 महीने के लिए सारा प्रबंध किए। उसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी से बात की, जिलाधिकारी पूरा उनका प्रशासनिक अमला वहाँ गया, उसका घर बनवाया, इंदिरा आवास बना, उसका वो बना, पेंशन स्वीकृत हुई उनके और उनका राशन कार्ड नहीं था, राशन कार्ड बना। तो ये सब मानवीय उदाहरण थे पंडित जी के। बहुत सारी लड़कियों की शादी किया उन्होंने, लेकिन उसका प्रचार नहीं किया। वो अखबारी नेता नहीं बनते थे, जनता के बीच काम करते हैं। हमारे संज्ञान में 5,500 गरीब लड़कियों की शादी उन्होंने किया, जिसको कोई जानता नहीं। अच्छा, आप बताइए, चूंकि आप राजपूत समाज से आते हैं, राजपूत है ना? हाँ हाँ, राजपूत समाज से आते हैं। जब पंडित जी राजनीति में सक्रिय हुए तो ब्राह्मण और ठाकुर में खाई पैदा हुई? बिल्कुल नहीं हुई। नहीं, बताते हैं लोग, लोग कहते हैं, बताते हैं लोग, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं खाई पैदा हुई। उनके क्षेत्र में जो पुराना चिल्लू पार में क्षेत्र है, दर्जनों ठाकुरों के बड़े बड़े गाँव थे और उनको वोट वहाँ से मिलता था। लोग उनका सम्मान करते थे, पंडित जी भी उन लोगों का सम्मान करते थे। ये तो तुच्छ लोग हैं जो इस सब आरोप लगा के और समाज को बरगलाना चाहते हैं, अपना निस्वार्थ कोई स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। पंडित जी में ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आप पंडित जी को 1900 तो इतना सम्मान उन्होंने दिया, कभी इस पर चर्चा नहीं हुई? किस पे? ब्राह्मण ठाकुर ब्राह्मण नहीं, हम लोगों से इस पर मतलब जात की बात तो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं करते थे। जात की बात करते थे, 6 बार विधायक हो जाते ठाकुरों का क्षेत्र था, तो चिल्लू पार दूसरा क्षेत्र हो गया। ठाकुर भी इसमें बहुत थे, ब्राह्मण भी थे, और भी विभिन्न जातियां थी। किसी खांचे में पंडित जी बांटे नहीं लोगों को। जो आज की राजनीति और पंडित जी की राजनीति को आप देखें, क्या अंतर दिखता है? बहुत अंतर है। क्या अंतर? विकास के नाम पर सुनने चिल्लू पार, विकास की कोई अवधारणा नहीं लोगों के पास। और ऐसे ऐसे तुच्छ काम होते हैं, ऐसे ऐसे विघटनकारी काम होते हैं कि जिसको कहा नहीं जा सकता, समाज को तोड़ने के लिए। तो ये पंडित जी के पुराने साथी हैं और ये बता रहे हैं कि 1989 से मैं जुड़ा हूँ पंडित जी के साथ, जब एक दौर हुआ करता था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण राम ठाकुर की बात होती थी तो पंडित जी का नाम सामने आता है। लेकिन राज बहादुर सिंह कह रहे हैं कि मैं राजपूत समाज से हूँ और मैं पंडित जी को अच्छे से जानता हूँ और क्षेत्र में इस तरह की कोई बात नहीं। ऐसे न खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव।